हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 29 अप्रैल 2022 फ्राइडे न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा द हिंदू, एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला आर्टिकल बोल रहा है और हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ये फोटो में जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर दोनों हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द हम 5G सर्विसेज को लेकर के जो है ई ऑक्शन करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन है वो इन जून को पॉसिबल है कि ये हो पाएगा। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, 5G क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे, है ना। फिफ्थ जनरेशन जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क जो है, उस पे वर्क किया जा रहा है भारत के अंदर, और इस पे वर्क करने के साथ साथ में हम इसके इसके ऑप्शन को लेकर के भी काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एयरटेल, ठीक है, जिनके नेटवर्क को हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा फिर है आइडिया एंड वोडाफोन, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर के चला रहे हैं नेटवर्क को, VI नेटवर्क के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। BSNL है ना, ये तो गवर्नमेंट का ही आपको देखने को मिलेगा। तो जियो है, ऐसे ऐसे नेटवर्क जो कि काम कर रहे हैं, उनको 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के यहाँ पे ई ऑक्शन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना। तो इस पे हम चर्चाएं करेंगे, क्या होता है 5G नेटवर्क, है ना, किस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है, कल के दिन मोदी जी असम के अंदर गए हुए थे और असम में वहां पे जो रैली थी उसको यहाँ पे इन्होंने संबोधित किया है ना, इन्होंने स्पीच दी और उस वहां पे काफी सारी बातें भी हुई, है ना। और उसमें एक चीज निकल करके आई कि यहाँ पे कहा गया कि आसपा जो है उसको हम धीरे धीरे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से क्या कर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इनको लेकर के चर्चाएं हुई हैं। आसपा क्या है, आसपा काफी दिन से देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंसर्जेंसी जो स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, वहां पर स्पेशल जो फोर्स है, स्पेशल पावर जो है वो प्रोवाइड की जाती है आर्म फोर्स को, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, असम जो है, असम की गवर्नर कौन है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। आगे बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्कशन आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, हाई लेवल ये विजिट है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इनके साथ में मीटिंग की गई, इनके बीच में 2 दिन की ये विजिट है जिसमें काफी सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। बांग्लादेश के साथ में ट्रेड रिलेशंस को लेकर के हो चाहे बात, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में चल रहे हैं, उनमें इन उस पर इनके इन दोनों देशों के बीच में चर्चाएं हुई हैं, है ना। तो बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की कैपिटल आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ढाका इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी टका, ठीक है। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा, शेख हसीना यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनके साथ में ये विजिट हुई है और काफी मुद्दों पर इसमें चर्चाएं हमें देखने को मिली हैं, जैसे ट्रेड को लेकर के बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है कि अमेरिका के द्वारा एक सैंक्शंस लगाया गया है बांग्लादेश के ऊपर,
है ना, रैपिड एक्शन जो बटालियन है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है जुडिशियली, जुडिशियल किलिंग को लेकर के। तो इस पे ये कहा गया कि इंडिया इसको लेकर के हमें सपोर्ट करे। इसके अलावा COVID-19 पैंडेमिक में काफी हालात खराब थे, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से काफी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा यूक्रेन रशिया में जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से इंडिया हर रेजोल्यूशन में या जो जितनी भी वोटिंग हुई है अलग अलग यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं एब्सेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसी के बराबर में आपको इंडिया के बराबर में एक और देश जो कि आपको एब्सेंट होते हुए देखने को मिलेगा, किसके फेवर में, तो रशिया के फेवर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मतलब ना तो हाँ में वोट की गई है ना तो ना में वोट किया गया है, एब्सटेंट रहा है इन वोटिंग्स के अंदर। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कैसे हैं ये आगे हम हमारी क्लास में देखेंगे। इसके अंदर आगे बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सेंटर्स ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है ना, और जिसको सेंटर्स एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट कहा जा रहा है। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की ये थर्ड क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया गया थर्सडे के दिन। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि लगभग कुछ 4 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसके अंदर बताया गया। और वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें जॉब्स क्रिएट की गई, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगी है ना, एजुकेशन के अंदर, आईटी एंड बीपीओ, हेल्थ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बाद में रेस्टोरेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा है ना। लगभग ऐसे 9 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जॉब्स क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी है ना, दी गई है। राइजिंग ट्रेंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये कहा गया यूनियन लेबर मिनिस्टर के द्वारा। चलिए आज की सीरीज में आपको अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हु इज द प्रेजेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है। काफी सारी में न्यूज भी अभी 2-3 दिन से देख रहा हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के डिबेट्स बहुत ज्यादा हो रही है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस डिस्प्यूट्स को बहुत ज्यादा फोकस कर रही है ना, हिंदुत्व की तरफ ज्यादा, बहुत ज्यादा फोकस हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें डिबेट्स के अंदर देखने को मिल रही हैं, और उसमें एक मुद्दे को भी लेकर के आया जाता है, और वो है कि सरकार ने लोगों से वादे तो बहुत किए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, लेकिन भारत में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, ये इसके अंदर बताया गया। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ये बताया गया था, जनवरी 2022 की ये रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि भाई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग कुछ 7% के हिसाब से भारत के अंदर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है ना, ये कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन्होंने प्रपोज किया है कुछ लगभग 33 US बिलियन डॉलर का एड फॉर द यूक्रेन है ना। कल भी इसको लेकर के चर्चाएं हुई थी कि रशिया जो है काफी सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके ऊपर क्या कर रहा है, अपनी गैस पाइपलाइन को लेकर के या गैस को सप्लाई को लेकर के बैन कर रहा है या रोक रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, गैस का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। उसमें से आपको एक देश अमेरिका भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गैस का सप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी
ये क्या कर रही है, यूक्रेन को काफी सपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। जबकि यूएस और रशिया के बीच में काफी सारा ट्रेड आपको आज की डेट में भी होता हुआ देखने को मिलेगा, जबकि यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोप कंट्रीज के द्वारा काफी सारे इकोनॉमिकली सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। अब देख सकते हैं कि यूएसए जो है आज की डेट में, देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट की यदि मैं बात करूं, आज के एडिटोरियल या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में भी इसको कवर अप किया गया है कि यूरोप में, यूरोप के लगभग कुछ 23 देशों के अंदर रशिया अपनी गैस को सप्लाई करता है और लगभग 40% का गैस का सप्लाई होता है। मैंने कल आपसे पूछा भी था सीरीज के अंदर क्वेश्चन की रशिया जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर कितना परसेंट गैस को सप्लाई करता है और आज के टैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में इसको दिया भी क्या है। तो इतना सारा सप्लाई होने के बाद में भी इसके ऊपर इकोनॉमिकली सैंक्शंस और यूएसए के द्वारा भी लगभग ऐसा कहा जाता है कि 16% के आसपास में यूरेनियम जो है वो दिया जाता है, किसको, रशिया को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यूरिया को लेकर के भी काफी सारा सप्लाई होता है, लगभग कुछ 30% के आसपास में यूएस रशिया से यूरिया परचेस करता है। उसके बाद में फास्फोरस, मैग्नीशियम्स, है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूरोप के अलावा रशिया जो है वो सप्लाई करता है यूएसए को। तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज काफी बड़े लेवल पे यूक्रेन को अपना सपोर्ट पहुंचा रही है इन द अगेंस्ट ऑफ रशिया। तो देख सकते हैं आप 33 जो यूएस बिलियन डॉलर का एड जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रपोज किया गया है ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन देख सकते हैं श्रीलंका के जो वर्कर हैं, वर्कर यूनियन जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है आप सभी को पता है, हम काफी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि अगली बार ये आर्टिकल फिर से कवर अप किया जाता है तो मैं इसे फिर से एक बार रिविजन के तौर पे कवर करूंगा, है ना। आज मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया और ना ही मैंने इसके लिए कोई पीपीडी प्रिपेयर की है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर सकें। लेकिन मैं, चलिए आज आपसे सीरीज में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर रहा है, सिविल वॉर जो चला है वो कब से कब तक चला है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। अगला पेज बिजनेस का, इसके अंदर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको कवर अप किया जा सके। यहाँ पे आज एडिटोरियल पेज में ऐसा कुछ भी खास नहीं था क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे में एक इंटरव्यू वाला पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला पेज आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल इसके अंदर दिया गया है एडिटोरियल पेज के अंदर, ऑथर का ये कहना है कि इसमें दो तरीके के आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, डेथ पेनल्टी को लेकर के, है ना, जो भारत के अंदर प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है डेथ पेनल्टी को लेकर के, वो उसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ऐसा कई सारे लोगों का ये ओपिनियन है, लेकिन कई सारे लोगों का ओपिनियन ये भी कहा जा रहा है कि भाई यदि किसी भी हीनियस क्राइम जो हमें देखने को मिलता है ना, हीनियस क्राइम आपको जो भारत के अंदर देखने को मिलता है उसकी सजा डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। ऐसे कई सारे लोग बाग फेवर में वोट करते हैं डेथ पेनल्टी को लेकर के, है ना। इसके अलावा दूसरी चीज भी इसके अंदर ये बताई गई कि कहीं ना कहीं जो विक्टिम की फैमिली है ना, उसको काफी इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो ये चाहती हैं कि भाई कि जिसके द्वारा क्राइम किया गया है उसको इस चीज के उसमें कंक्लूजन उसको मिले कि उसको सपोर्ट मिले कि भाई कि जो जो उसके फैमिली मेंबर के साथ में या कोई मर्डर जो हुआ है उसे उसे वो क्या कर सकें, उसको सामने वाले जो अपराधी है, जो मर्डरर है, उसको
डेथ पेनल्टी दी जाए। इसके अलावा बात की गई इसके अगेंस्ट में, मतलब डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में भी कई सारे लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है कि भाई कि जो डेथ पेनल्टी दी जा रही है उसे क्या असर देखने को मिल रहा है भारत के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि भाई कि 2013 में दिल्ली केस जो आप लोगों ने सुना होगा, 2012 दिसंबर की बात है, और उसके बाद में इसके इसको देखते हुए इसमें फांसी की सजा दी गई है ना, दिल्ली रेप केस के बाद में कई सारे ऐसे रेप केस आपको देखने को मिलेंगे है ना, जिसमें कई सारे लोगों को क्या दी गई है, फांसी की सजा दी गई है। लेकिन उसके बाद में भी क्या डेथ पेनल्टी जो दी गई है उसके बाद में क्या कुछ चेंज देखने को मिला है रेप केसेस के अंदर? क्योंकि रेप केसेस तो उसके बाद में काफी सारे बढ़ते गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थ्रेट नहीं है डेथ पेनल्टी देने के बाद में भी। तो ये लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई कि डेथ पेनल्टी देना मकसद नहीं है, है ना, सजा देना मकसद नहीं है, उनमें चेंज लाना इम्पॉर्टेंट है, उनको कैसे सुधारा जाए, मतलब ये सारी बातें इसके अंदर की गई हैं, है ना। जैसे अभी तक बात की जाए, इसमें एक डेटा मेंशन किया गया है कि लगभग कुछ 1947 से अभी तक प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो लगभग कुछ 720 लोगों को अभी तक डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है ना, उसके बावजूद भी कोई भी चेंजेस हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है ना। उसके अलावा यहाँ पे सीआरपीसी की जो बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सेक्शन जो कहता है 354 क्लॉज 3, इसके अंदर भी ये चीज हमें देखने को मिली है कि भाई कि भारत के अंदर जो डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट था वो पहले से ही चला आ रहा है कि भाई कि डेथ पेनल्टी दी जा रही है किसी भी क्राइम को लेकर के, या किसी भी मर्डर केस को लेकर के, या हीनियस क्राइम को लेकर के, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो सेकेंडरी है, लेकिन उसमें आपको पहली जो प्रायोरिटी है वो डेथ पेनल्टी को ही लेकर के काम करना है। उसके बाद में चेंज इसके अंदर आया कि भाई कि डेथ पेनल्टी तो नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो दिया जा सकता है, उम्र कैद की सजा उसको दी जाए। मतलब ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें यहाँ पे आपको चर्चाएं होती हुई इस एडिटोरियल पेज के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल को आप अच्छे तरीके से एक बार रीड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओपिनियन को लेकर के चर्चाएं हुई हैं फेवर में और अगेंस्ट में। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का, और इसको कल भी कवर अप किया गया था कि रशियन जो कंपनी है, गैस एनर्जी जो कंपनी है, एनर्जी कंपनी जिसका नाम है गैस प्रॉम, ये इस कंपनी के द्वारा जो सप्लाई है दो कंट्री का, वेस्टर्न कंट्री का, जिसमें से एक कंट्री है बुल्गेरिया और दूसरी कंट्री है पोलैंड, इन दोनों का गैस सप्लाई बंद कर दिया गया है। अब इसमें क्या कारण बताए गए हैं, कॉज बताए गए हैं, वो आपको देखना है। पहला तो ये बताया गया कि जब इस कंपनी के द्वारा बुल्गेरिया और पोलैंड से पूछा गया कि भाई कि आप हमें पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, है ना, किस रूप में आप हमें पेमेंट करेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई कि हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो रशिया के द्वारा ये कहा गया कि हमें तो पेमेंट रूबल में चाहिए भाई, क्योंकि हमारा किस काम का भाई डॉलर, क्योंकि हमारे ऊपर तो इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगे हुए हैं, है ना। आप लोगों को पता भी है कि स्विफ्ट बैन भी कर दिया गया है इनके ऊपर, तो है ना, कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनके ऊपर इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि स्विफ्ट बैन कर दिया गया है, कोई भी डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये इनके ऊपर इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इन्होंने तो कहा कि भाई कि हमें तो रूबल में ही पैसा चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास रूबल तो नहीं है, हम जो भी पेमेंट करेंगे वो डॉलर में ही कर पाएंगे, तो इन्होंने ये चीज को लेकर के मना कर दिया। इसके अलावा दूसरा भी जो मेन कारण है वो भी इसके अंदर बताया गया कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि लगभग कुछ 40% का जो गैस का सप्लाई है वो रशिया का, वो देखने को मिलता है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, और यूरोप में भी आपको 23 कंट्रीज में गैस का सप्लाई रशिया करता हुआ देखने को मिलेगा।
अब उसमें क्या हुआ कि ये जो दो कंट्रीज आप देख रहे हैं, बुल्गेरिया और पोलैंड, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे किसको? यूक्रेन को, जिसकी वजह से रशिया ने इन दोनों कंट्रीज के गैस के सप्लाई को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है भाई जिसको यूरोप के अंदर जो रशिया है वो गैस को सप्लाई करता है ना। मैंने बताया 23 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर गैस को सप्लाई करता है, और उसमें भी यदि सबसे ज्यादा गैस सप्लाई की बात करें तो फिनलैंड के अंदर रशिया का गैस सप्लाई सबसे ज्यादा होता है, दूसरा है लातविया, और उसके बाद में है एस्टोनिया, फिर उसके बाद में बुल्गेरिया चौथे नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज्यादा गैस का सप्लाई होता है। ठीक है, जितना इम्पैक्ट बुल्गेरिया को पड़ने वाला है इसके बैन होने पर, उतना पोलैंड को असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड इससे पहले भी कई जो कंट्री हैं उनके साथ में गैस को लेकर के डील कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब बुल्गेरिया की बात करें तो लगभग 77% जो हिस्सा गैस का है वो रशिया से आता हुआ देखने को मिलता है। तो इसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचेगा और इसकी इकोनॉमी में भी काफी बड़ा झटका लगता हुआ देखने को मिलेगा। ये यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा भी ये चीज बताई गई है। तो ये मुद्दे को लेकर के हम आगे बात करेंगे। तो ये है पूरा हमारा न्यूज़पेपर। अब हमारी पीपीडीज को हम देख लेते हैं एक एक करके, है ना, समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 5G सर्विस को लेकर के अश्विनी जी के द्वारा ये कहा गया है कि जून के अंदर मिनिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के काम करेगी। अब क्या होता है कि जो टावर होते हैं, है ना, जिनसे जिनके थ्रू हमारा नेटवर्क मिलता है, उन टावर से क्या होता है, स्पेक्ट्रम निकलते हैं, है ना, या जिसको हम फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं। तो इन सारे स्पेक्ट्रम्स को अलॉट करने का काम इन कंपनीज को करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सारा होता है। तो कंपनीज को ये सारे स्पेक्ट्रम या फ्रिक्वेंसीज को अलॉट करने का काम अलग-अलग रेंज के हिसाब से, बैंड्स के हिसाब से किया जाता है, जिसके लिए ये कंपनीज गवर्नमेंट को क्या करती है, पैसा देती है एक तरीके से। सर्विसेज यदि आप लोगे, सेवाएं लेंगे, तो आपको उसके बदले में क्या देना होगा, पैसा देना होगा। तो कंपनी को भी इन स्पेक्ट्रम पे काम करने के लिए या इन फ्रिक्वेंसीज पर काम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पैसा देना होता है। ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन रखा जाता है जो कि कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है ना। तो इसी के तहत ये सारी चर्चाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी दिन से चर्चाएं चल भी रही हैं कि भारत में बहुत जल्द 5G टेक्नोलॉजी पर वर्क किया जाने वाला है। एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। तो 5G इज द फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, ध्यान रखना ये चीज, है ना। इट इज न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आफ्टर 1G, 2G, 3G एंड 4G नेटवर्क्स। इसके अलावा बात की जाए कि नेटवर्क्स को लेकर के बात करें कि अभी तक आपने देखा होगा कि 4G स्पीड्स पे ही अभी हमारा इंडिया के अंदर वर्क चल रहा है, कई जगह पे तो 3G स्पीड आपको देखने को मिलती है ना। तो 5G जैसे ही आ जाएगा तो इंटरनेट स्पीड्स जो है, हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो है 5G का जो काम करेगा वो लगभग कुछ 1 GBPS से अबव काम करेगा, जो कि जाएगा लगभग कितना, 20 GBPS, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब गीगाबाइट्स पर सेकंड आपको इसकी स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि 4G स्पीड के अंदर रिकॉर्डेड जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ 1 GB पर सेकंड आपको देखने को मिलती है 4G, है ना। अभी जो हमारे नेटवर्क काम कर रहे हैं वो 4G नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ना कि 5G नेटवर्क पे। अब ये जैसी ऑक्शन होगा और इसके जब पैसे गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे तो उसके बाद में हमारे यहाँ 5G सर्विसेज या नेटवर्क शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 5G जो है वो वर्क करेगा कुछ 3 बैंड्स पर, और ये 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है लो बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें कम फ्रिक्वेंसी वाली जो जितने भी नेटवर्क होंगे, यूजर्स जो होंगे, उनको इस तरीके से मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि लगभग कुछ 100 MBPS के आसपास आपको इंटरनेट
सर्विसेज मिलेंगी, एक्सचेंज डेटाबेस जो आपको ट्रांसफर करना होता है उसके लिए लिमिट जो मिलेगी वो लगभग कुछ 100 Mbps के आसपास आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा सेकंड जो बैंड होता है वो होता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें स्पीड आपकी ज्यादा होगी, लो बैंड से कुछ ज्यादा लिमिट होगी, लेकिन ये हमारे पर्पस से नहीं है। ये कुछ स्पेशल जो पर्पस होते हैं उसके लिए ये आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी होती है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, ये हाईएस्ट स्पीड वाले स्पेक्ट्रम होते हैं जिनकी स्पीड लगभग कुछ 20 Gbps के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फिफ्थ जनरेशन तक की, यदि हम बात करें तो फर्स्ट जी जो आया था या 1G जो आपको देखने को मिलेगा वो 1980 में लॉन्च किया गया था, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड वर्क अलोंग रेडियो सिग्नल पे ये वर्क करता था जिसमें सिर्फ आपकी वॉइस कॉलिंग ही पॉसिबल हो पाती थी, है ना, 1G जो हम बोलते हैं। इसके अलावा बात करें 2G जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1990, यानी 10 साल बाद इसको लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल रेडियो सिग्नल्स पे काम करना स्टार्ट किया, जिसमें वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन का जो बैंड है वो हमें मिला, और इसकी स्पीड जो हमें मिलती थी वो थी 64 Kbps, है ना, किलोबाइट पर सेकंड हमें मिलती थी। आगे बात करें 3G सर्विसेज की, बात करें तो ये 2000 में स्टार्ट किया गया, है ना, 10 साल बाद फिर से अगेन, और इसकी स्पीड जो थी वो 1 Mbps से 2 Mbps के बीच में हमें देखने को मिली, जिसमें ट्रांसमिट ऑफ टेलीफोन सिग्नल्स इंक्लूडिंग द डिजिटाइज्ड वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, है ना, एंड कॉन्फ्रेंसिंग हमें 3G नेटवर्क के अंदर 1 to 2 Mbps के बीच में हमें देखने को मिली। इसके बाद में 4G नेटवर्क कब आया, तो 2009 में 4G नेटवर्क हमें देखने को मिला, जिसकी स्पीड 100 Mbps से 1 GB पर सेकेंड, है ना, GBPS के बीच में हमें देखने को मिली। इसमें आप 3D वर्चुअल रियलिटी आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर हमें देखने को मिला। और अब ये पॉसिबल होने जा रहा है 2022 में, है ना, वैसे तो 21 में इसका काम शुरू हो चुका था, 2020 21 से इसका काम स्टार्ट हो गया था 5G का, लेकिन सही तरीके से ये वर्क करेगा 2022 के अंदर, जब ये ऑक्शन मिलेगा उसके बाद में। इसके बाद में ये अलग अलग बैंड्स पर काम करेगा, जिसमें जरूरत के हिसाब से, अलग अलग नेटवर्क के हिसाब से इनकी फ्रीक्वेंसीज को कम ज्यादा किया जाएगा, या अलग अलग बैंड्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे नेटवर्क जिस पे काम होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो यहाँ पे अस्पा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, बाकी क्या कहा है, किस चीज को लेकर के बात की गई ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज मेंशन की गई है मोदी जी के द्वारा कि अभी हाल ही में, है ना, 1 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ इलाकों से अस्पा को क्या कर दिया है, रिवॉक कर दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है वो अब बहुत ही क्या हो गई है, कंट्रोल में हो गई है, वहां पे पीस मेंटेन हो गया है, इसलिए वहां से हटा दिया गया है। पूरे राज्यों से नहीं हटाया गया है, कुछ कुछ इलाकों से इसको हटा दिया गया है। अस्पा के बारे में बात करें एंड नॉर्थ ईस्ट, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पार्शली विड्रॉन, है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 पार्ट्स ऑफ द 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वही चीज जो यहां पे मैंने बताई थी, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है। तो ये वो मैप है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ये है पूरा असम, है ना, और इसके ऊपर जो आप स्टेट देख रहे हैं ये अरुणाचल है ना, और कौन कौन से राज्यों की बात हो रही है, तो नागालैंड और मणिपुर की यहाँ पे आपको बात देखने को मिलेगी, है ना। तो ये है नागालैंड और ये है मणिपुर, जहां के कुछ इलाकों में इसको क्या कर दिया गया है, विड्रॉन कर दिया गया है ना। तो आसपा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 क्या कहता है, तो इसमें क्या हुआ कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट
के टाइम पीरियड में इस एक्ट को लाया गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको उनके टाइम पीरियड में इसको लाया गया था 15 अगस्त 1942, है ना। वो भी क्यों? क्योंकि प्रोमल्गेटेड द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी मूवमेंट जिससे देश को आजादी मिलने जा रही थी, उस मूवमेंट को कहा गया क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने इस मूवमेंट में लोगों को यह कह दिया था कि इस आंदोलन में ही सारी चीजें हमें पूरी जान झोंकनी है, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी में गांधी जी ने कहा था डू और डाई, या तो करो या तो मरो, है ना। ये वाली कंडीशन हमें यहाँ इस क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर देखने को मिली, और ये बहुत बड़े लेवल पे गांधी जी का मूवमेंट था जिसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि इसमें सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स देखने को मिल रहे थे, इवन गांधी जी तक इसके अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि सारे बड़े जो जितने भी मूवमेंट भारत के अंदर आपको देखने को मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं लीडरशिप आपको महात्मा गांधी जी की देखने को मिलेगी। तो इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्पेशल पावर जो है फोर्स पावर ऑर्डिनेंस को लाया गया, लेकिन भारत में इसको लाया गया 1958 में असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट, असम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ऑफ द 1955। मतलब कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर आर्म को आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिए गए, ठीक है। आसपा गिव्स कुछ राइट्स प्रोवाइड होते हैं, कुछ अधिकार दिए दे दिए जाते हैं, स्पेशल प्रोवाइड्स राइट्स इनके पास में आ जाते हैं कि जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर किसी भी इंडिविजुअल को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट, है ना, नो ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सस्पिशन, है ना, जिसके बेसिस पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है ना, भीड़ 4 से 5 के उसमें ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते आप, है ना, बिना किसी उसके शूट किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है, ओपन फायरिंग की जा सकती है, है ना, जिसको लेकर के उन पर किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं किया जाएगा। भाई ये भी एक स्पेशल पावर दे दी जाती है उन उन उसके अगेंस्ट में, क्योंकि काफी सारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें इंसर्जेंसीज हमें देखने को मिलती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा नागालैंड के अंदर किस तरीके का जो अटैक था कि उनको गलत जानकारी गलत रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने क्या करा, मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नागालैंड के अंदर अटैक करा जिसमें 13 नागास की क्या चली गई, पीपल की जान चली गई, है ना, जिसके बाद में ही ये मुद्दा गहराया था कि भाई कि भारत के अंदर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से आसपा का जो पावर है उसको खत्म कर दिया जाए, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई। इसके अलावा बात की गई है डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, तो इसका मेंशन किया गया है किसके अंदर, तो सेक्शन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर, तो स्पेशल पावर जो एक्ट है 1958 का वहां पर आपको देखने को मिलेगा। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972, है ना, पावर टू बी द डिक्लेयर एन एज एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज, इसको इसके अंदर अमेंड किया गया और इसको जोड़ा गया, ठीक है। बात करें अभी हाल ही में आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा के अंदर भी रिवॉक किया गया द एक्ट 2015, मेघालय के अंदर भी 27 इयर्स के बाद में कुछ एरियाज को यहां से रिवॉक कर दिया गया 2018 के अंदर, तो ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां से इनको रिवॉक कर दिया गया, है ना। तो स्पेशल पावर एक्ट जो है आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करें मणिपुर की एक लेडी है ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एक बाजार के अंदर स्पेशल पावर फोर्स के द्वारा या आर्मी के द्वारा कुछ लोगों को वहां पे शूट कर दिया गया था, जिसके बाद में मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने ये जब सीन को आंखों देखा और कहा सारी चीजों को समझा,
तो इरोम चानू शर्मिला ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किया, हंगर स्ट्राइक की, है ना। मैं बात कर रहा हूँ इरोम चानू शर्मिला, मणिपुर की, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है मणिपुर का। तो इरोम चानू शर्मिला ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक की। 16 इयर्स की ये स्ट्राइक थी, हंगर स्ट्राइक, जो कि 2000 में स्टार्ट हुई थी, है ना, और 2016 में इन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म किया। तो इसे वर्ल्ड की सबसे लंबी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि इरोम चानू शर्मिला ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक किसके अगेंस्ट में की थी, किस चीज को खत्म करने को लेकर के यहाँ पे ये स्ट्राइक की गई थी। तो अस्पा एक्ट के अगेंस्ट में इस हंगर स्ट्राइक को की थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इंडिया बांग्लादेश डिस्कस हाई लेवल विजिट्स। तो मैंने आपको बता दिया है किन किन मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन यहाँ पे अब आप मैप देख लीजिए भाई। मैप मैंने इसीलिए लगाया है, ये आपको साइड में ईस्ट के अंदर आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। ये है नेपाल, ऊपर जाएंगे तो चाइना, ये छोटा सा देश नॉर्दर्न ईस्टर्न से लगा हुआ भूटान, और जब आप इधर की तरफ आएंगे तो ये वाला जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ये आपको पूरा बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है ना। 4096 किलोमीटर की अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया के साथ में, जो कि सबसे लंबी बाउंड्री शेयर है, शेयरिंग है। इंडिया बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस की यदि हम बात करें, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971। ध्यान रखना, जिस बांग्लादेश को आप देख रहे हैं इस मैप के अंदर, ये 1971 से पहले यानी 1947-48 के बाद जब इंडिया एंड पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ, तो आज जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं वेस्ट में, वो पहले वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, और इस वॉर में जो आपको ईस्ट पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, ये रिकॉग्नाइज हुआ एज अ कंट्री, और ये कंट्री फिर निकल करके आती है बांग्लादेश, और इंडिया पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया। और हमारे उसके बाद में काफी अच्छे रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। वेरियस ज्वाइंट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, संप्रति आर्मी एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, और एक नेवल एक्सरसाइज होती है बड़े लेवल पे जिसको मिलन एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई, है ना। इसके अलावा बात करें बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के, तो इंडिया एंड बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे लंबी बाउंड्री है, 6 कंट्रीज की बाउंड्रीज हमसे लगती हैं, इंडिया के साथ में लगती है। यदि एक्सेप्शनल के रूप में यदि हम अफगानिस्तान को रखें तो, क्यों, क्योंकि पीओके की वजह से अब ये बाउंड्री शेयरिंग पाकिस्तान के साथ हमें देखने को मिलती है ना। तो 4096 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलती है। चलिए आज की सीरीज में अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है, ये बताना है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें, एक एग्रीमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इंडिया एंड बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि 2015 में किया गया था। इसमें यह था कि जो आइलैंड बांग्लादेश के से लगे हुए हैं, उन आइलैंड पर इंडिया का कब्जा हुआ करता था, और जो आइलैंड इंडिया से लगे हुए थे उन पर कब्जा बांग्लादेश का हुआ करता था। तो इन्होंने इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के तहत इन आइलैंड्स को इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, मतलब जो आइलैंड बांग्लादेश के पास में लगे रहे उन पर कब्जा बांग्लादेश का हो गया, और जो आइलैंड इंडिया से लगे हुए थे जिन पर पहले बांग्लादेश का कब्जा था उस पर इंडिया का
कब्जा हुआ। तो ये है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ। इसके बाद बात करें, लगभग कुछ कोऑपरेट करती हैं 54 रिवर्स के साथ में इंडिया और बांग्लादेश। काफी सारी रिवर्स हैं जो कि बायलेटरल ज्वाइंट रिवर्स कमीशन इसको लेकर के बनाया गया सिंस जून 1972 एंड मेंटेन किया जा रहा है दोनों कंट्रीज के द्वारा इन इन रिवर्स को, इनके फ्लोज को लेकर के। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। ध्यान रखना है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू द बांग्लादेश ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 लगभग कुछ 9.21 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट भी बांग्लादेश से किया जाता है और हम सबसे ज्यादा इनसे जूट को खरीदते हैं। ध्यान रखना, जूट हम खरीदते हैं बिकॉज क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा बात करें, ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री हम ट्रांजैक्शन भी करते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरियाज जिसको साफ्टा कहा जाता है। सिंस 2011 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस तरीके के काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें, इंडिया और जो बांग्लादेश है ये दो ऑर्गेनाइजेशन के भी हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा आता है, आपको पहला ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जिसको सार कहा जाता है, एंड दूसरा है बिम्स्टेक जिसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता है, बिम्स्टेक का भी मेंबर है। इसके अलावा बात करें, इंडिया और बांग्लादेश जो यूज करता है, इंडिया यूज करता है बांग्लादेश के दो पोर्ट को जिसका नाम है चित्तोग्राम एंड मंगला। ये दो पोर्ट का एक्सेस बांग्लादेश ने किसको दिया है, इंडिया को दिया है, है ना। गुड टू द फॉर्म फ्रॉम इंडिया पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इसके अलावा बात करें, यूज करने के लिए बांग्लादेश अपनी रिवर को देता है किसको, त्रिपुरा को, है ना, ताकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए त्रिपुरा इसका इस्तेमाल कर सके जिसका नाम है फेनी रिवर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें बिम्स्टेक के बारे में, समझ लीजिए भाई बिम्स्टेक का नाम आया है तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 में इसको बनाया गया, ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और मेंबर्स कंट्री की बात करें तो 7 इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। चेयर नेशन की बात करें तो श्रीलंका इसका चेयर नेशन है, एंड सिक्योरिटी जनरल की बात करें तो तेंजिंग लैकफेल जो कि भूटान से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करें सार्क की तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन 8 दिसंबर 1985 में बना था, काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और मेंबर्स कंट्री 8 आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी है तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इसला रुवेन वीराकून जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ये राइट नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल है। आगे बात करते हैं, सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई कि भाई कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग कुछ 4 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट की गई कुछ लगभग 9 सेक्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2022 के अंदर एक रिपोर्ट भी बताई गई कि भाई कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत के अंदर बढ़ा है, ओमिक्रॉन को देखते हुए यहाँ पे काफी सारी चर्चाएं देखने को मिली थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितने प्रकार का होता है तो यहाँ पे देखेंगे आप, डिसगस्ट जो है, डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जहां पे 4 ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पे एक और व्यक्ति आकर के उनके साथ में काम करता है ना, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी वह क्या कर रहा है, उनके एरियाज में काम कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर लैंड एरियाज पे काम कर रहा है। तो ये एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें सीजन के हिसाब से क्या होता है कि रोजगार मिलता है, देन फिर उसके बाद सीजन नहीं होता है तो फिर किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लेबर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर्स आपको देखने को मिलेंगे, सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलता है।
इसके बाद में बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति की जो स्किल होती है उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस जो व्यक्ति जिस काम में कैपेबल है उसको उस तरीके का काम नहीं मिलता है, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मॉडर्नाइज होती जाती है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजिकली तरीके से काम हो रहा है, तो जो लोग इनके बारे में नहीं जानते थे उनको क्या करना होता है कि अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ जाती हैं, क्योंकि टेक्निकली तरीके से वो क्या होती है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है ना, कि टेक्नोलॉजिकली तरीके से उसको क्या होना होगा, अवेयर होना होगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बन जाता है। इसके अलावा होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन ने अपनी जॉब को क्या करा है, छोड़ दिया है ना, और वो दूसरी जॉब के लिए क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, तो जो पहली जॉब से अगली जॉब के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए कि 4 से 5 महीने वो सर्चिंग में लगा हुआ है ना, तो उस 4 से 5 महीने का जो गैप होता है वो एक तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में होता है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ ये भी एक कहीं ना कहीं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का ही रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं होती है कि कहीं पे मेंशन हो कि इतने साल के लिए काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे डेली वेजेस वाला काम आपको देखने को मिलेगा, काम होगा तो काम करेंगे, नहीं होगा तो बेरोजगार है, तो इसको हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको वेजेस वाली एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ टाइप्स आपको अनएम्प्लॉयमेंट के देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप लोगों को ये बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन से राज्य के अंदर आपको देखने को मिला है, ये आपको आंसर करना है आज की सीरीज के अंदर। बात करें रशिया के द्वारा 2 कंट्रीज की गैस के सप्लाई को बंद कर दिया गया है ना। ये वही पिक्चर है जिसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग से मेंशन किया है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यूरोप के अंदर रशिया का लगभग कुछ 40% जो है वो गैस का सप्लाई होता है, लगभग 23 कंट्रीज के अंदर। यूरोप में कितनी कंट्रीज के अंदर, तो यूरोप में लगभग कुछ 23 कंट्रीज के अंदर 40% का गैस का सप्लाई होता है, जिसमें सबसे ज्यादा गैस का सप्लाई फिनलैंड, दूसरा लातविया एंड तीसरा एस्टोनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बुल्गेरिया का 77% जो गैस का सप्लाई है वो रशिया से होता है, और पोलैंड का जो 40% का गैस का सप्लाई है वो किससे होता है, वो रशिया से होता है। यूरोप इंपोर्ट करता है गैस का रशिया से लगभग कुछ 41.1%, ये कुछ आपको देखने को मिलेगा डेटा। बाकी यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर 40% के बाद में नॉर्वे 16% का सप्लाई करता है, उसके बाद में अल्जीरिया से 7% के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कतर से सबसे ज्यादा सप्लाई, ठीक है। बाकी का बचा हुआ 29% का जो सप्लाई है वो अलग कंट्रीज के साथ में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें, एक लिस्ट आप लोग देख लीजिए भाई, टॉप गैस प्रोड्यूसर कंट्रीज की यदि हम बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गैस का प्रोडक्शन है वो कौन करता है, तो यूएस आपको देखने को मिलेगा। यूएसए सबसे ज्यादा गैस का प्रोडक्शन करता है, दूसरा रशिया करता है, तीसरा ईरान करता है, चौथा चाइना एंड पांचवा कतर करता है, सबसे ज्यादा दुनिया में गैस का प्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करें गैस एक्सपोर्टर कंट्री की बात करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा गैस का सप्लाई रशिया करता है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे यूएस आता है, तीसरे नंबर पे कतर, चौथे नंबर पे नॉर्वे एंड पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। बात करें गैस के इंपोर्टर कंट्रीज के लिए, तो सबसे ज्यादा गैस का इंपोर्ट कौन करता है, तो जापान सबसे ज्यादा गैस का इंपोर्ट करता है, साउथ कोरिया सेकेंड नंबर पे, चाइना थर्ड, फोर्थ पे यूएस एंड पांचवें नंबर पे आता है इंडिया। बात करें गैस के कंज्यूमिंग को लेकर के, दुनिया में सबसे ज्यादा गैस का कंजप्शन किसके पास में है, तो यूएस के पास में कंजप्शन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में रशिया के अंदर कंजप्शन ज्यादा मिलेगा, चाइना थर्ड पे, ईरान फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे आपको कनाडा देखने को मिलेगा। तो ये लिस्ट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा भाई। आगे बात करते हैं
जिससे पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर गैस का सप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं एक पाइपलाइन, जिसको नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के नाम से जाना जाता है। 2011 में नॉर्ड स्ट्रीम 1 कंप्लीट हुआ था, कमीशन की गई थी, है ना। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो रेड कलर की आपको देखने को मिल रही है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये रशिया के व्योबोर्ग शहर से, यहां से ये होती हुई बाल्टिक सी से, ये जो आपको समुद्र देखने को मिल रहा है ये बाल्टिक सी है, ध्यान रखना। और इससे होते हुए ये जाती है कौन से शहर में, तो ग्रीस वाल जर्मनी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी गैस पाइपलाइन का जो इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी, लेकिन बीच में अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, रोक दिया गया था क्रीमिया की वजह से, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था रशिया के द्वारा। तो अमेरिका ने इस गैस पाइपलाइन को क्या कर दिया था, इसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया था। यहां पर इसने अपने शिप को, डिस्ट्रॉयर शिप को खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन 2 है, तो 2018-19 में, सॉरी 20s में इसको अप्रूवल मिला है ना, जो बाइडन के द्वारा। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो उच्च लुगा से स्टार्ट होती है, और ये भी कहाँ पे जाती है, तो ये ग्रिप्स वाल तक, जर्मनी तक ये जाती है ना। इसी से ही ये गैस का सप्लाई करता है रशिया। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया है समझ में, एक एक चीज बारीकी से मैंने आपको बताई है, ठीक है। और जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे। तो आज की सीरीज के अंदर इतना ही, तो मिलेंगे अगली सीरीज के अंदर। थैंक यू एवरीवन, एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।